सूर्याय नमः इति श्री आदित्य हृदय स्त्रोतम। आदित्य हृदय स्त्रोत का उपदेश अगस्त ऋषि ने राम रावण युद्ध के समय भगवान राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। इसके नियमित पाठ से हृदय रोग, शत्रु भय से मुक्ति तथा समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय स्रोत के पाठ से पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा हर मनोकामना सिद्ध होती है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव की कमजोर स्थिति है, उनके लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सबसे उत्तम माना गया है। आदित्य हृदय स्रोत के नियमित पाठ करने से हर क्षेत्र में चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। तो आइए सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ शुरू करें। प्रेम से दोनों हाथों को जोड़कर बोलिए, ओम सूर्य देवताय नमः। भगवान श्री राम युद्ध से थक कर चिंता करते हुए युद्ध भूमि में खड़े थे। इतने में ही लंकाधिपति रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख ऋषि अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, प्रभु श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो, बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अच्छा और परम कल्याणमय स्त्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला और उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध तथा प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्रयते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विविश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। हे राम, समस्त देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। हे महाभाव, इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, उषा अर्थात पोषण करने वाले,
गभिष्मान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु अर्थात प्रकाशक, हृदय देता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरित अश्व अर्थात दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहसारजी अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण धारण करने वाले, हिरण गर्भ अर्थात ब्रह्मा, शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहंकर अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र, शंख अर्थात आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमोभेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुर् और सामवेद के पारगामी, धनिवृष्ट अर्थात धनिवृष्टि के कारण, अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, ध्येय थी पलबंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी, विश्व अर्थात सर्वस्वरूप, महातेजस्वी अर्थात लाल रंग वाले, सर्वभव उद्धव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको मेरा नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तीज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा अर्थात संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन,
ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भी अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान सूर्य की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार जप करके तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे ही आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से श्री आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार इस स्त्रोत का जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, आप शीघ्र करो और इस राक्षस राज रावण का अंत करके पृथ्वी को पाप से मुक्त करो। श्री आदित्य हृदय स्रोत संपूर्ण प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।